हेलो बंधु, चल रहा है मस्ती? हेलो, चलो मस्ती करते हैं। हम लोग दो ही क्वेश्चन आखिरी है, ये खत्म कर लेते हैं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग अगला चैप्टर में घुसेंगे, और घुसना ही तो अपना काम है। चैप्टर में घुसते हैं, आर पार सब सॉल्व करते हुए निकलते हैं। चलिए तो बनते हैं, बनाते हैं, बनते नहीं है, बनाते हैं, बनना नहीं बनाना। चलो सिक्स क्वेश्चन। सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टिक। अच्छा, आओ तेरी की। चलो कोई क्वाड्रिलेटरल बना लो भाई। कैसा भी, ए बी सी डी, इसका मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट क्यू, इसका मिड पॉइंट आर, इसका मिड पॉइंट एस। तो इन दोनों को मिलाओ भाई, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ। पहले तो ये डॉटेड लाइन लो, फिर इसको भी मिलाओ और इसको भी मिलाओ। देखो जी, हमें गिवन है पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूव पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल है प्रूव। इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, सो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ सिमिलरली एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। जब ये ट्रायंगल लेंगे ए डी सी तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट जो होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, इसलिए ए सी के ये पैरेलल भी और हाफ भी। सो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू ए सी। ए सी क्यू ले रहा हूं मैं, एस आर और पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो पैरलोग्राम हो गया। और जब पैरलोग्राम हो गया तो ये दोनों हो गया डायगनल। आप जानते हो डायगनल ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ एस क्यू एंड पी आर डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम पी क्यू आर एस। सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डायगनल जो होता है पैरलोग्राम का वो बाइसेक्ट करता। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे बता रहा है ए बी सी इज योर ट्राइंगल एंड
राइट एंगल एट सी। तो चलो एक ट्राइंगल दे रखा है और सी जो है ना वो राइट एंगल है। फिर कह रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट हाइपोटोनियस के ऊपर, एक मिड पॉइंट है एबी के ऊपर, मिड पॉइंट है एम एम। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटोनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। जो इसके बी सी के पैरेलल है और इसको डी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहा है सो दैट, तो पहले गिवन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और साथ में दे रखा है डी एम पैरेलल बी सी। टू प्रूव, फर्स्ट प्रूफ क्या कह रहे हैं आपसे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेकेंड प्रूफ आपसे कह रहे हैं एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। और इसके थर्ड पॉइंट्स भी हैं जो आपसे कह रहा है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये तीनों प्रूफ करना, आइए करते हैं प्रूफ, लाते हैं सबूत। देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एम पैरेलल बी सी एंड एम एज मिड पॉइंट, सो डी एज मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक तो प्रूव हो गया, अब परपेंडिकुलर शो करना और एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी बी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो आपस में इक्वल होता है क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल है, सो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री एज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर शो करना था वो हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, इन दोनों को कॉमरेंट कर दें, ए एम इज इक्वल टू सी एम करना है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मिड पॉइंट है तो हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमने डी इज मिड पॉइंट साबित किया है। एंगल इसको वन ले लें और इसको टू, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इच 90 अभी साबित किया है।
डीएम इज इक्वल टू डीएम कॉमन सो ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएम बाय एसएएस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो साइड एएम और सीएम आपस में इक्वल होगा। थोड़ा सा इसको साफ करके ही बच गया, थोड़ा वो कर देते हैं। और ए एम इज इक्वल टू सी एम, सी पी सी टी क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। नाउ ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी एज एम इज मिड पॉइंट, सो ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, यही हमें प्रूव करना था। हो गया जी, इस तरीके से हम लोग चैप्टर 8 को धो दिया, हो गई इसकी धुलाई अच्छी ढंग से, सारे क्वेश्चंस, सारा थ्योरम्स। हम लोग अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर की धुलाई करेंगे, चलेंगे स्टार्ट करने के लिए। और नहीं, अगर दूसरा चैप्टर आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर शुरू करना है, वही शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।